Hello, my lovely students. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the next topic of chapter number 1, which is chemical equations. अब ये chemical equation क्या होता है? Chemical reaction हमने पढ़ लिया कि भैया दो chemicals आपस में react करते हैं और एक नया chemical बनाते हैं. वो हो गया हमारा एक chemical reaction. अब ये chemical equation क्या है? A chemical equation is this symbolic representation. जब हम symbols में उस चीज को रिप्रेजेंट कर तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला. सो सिंबल एंड फॉर्मूला से हम कोई केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, वो सिंपली हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन. अब इसके अंदर वेयर द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट एंटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड. अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है? सिंपल सा अगर मैं एग्जाम्पल लू, हमारे पास होता है जी एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट. ठीक है, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट मिलता है. ठीक है, अब इस केस में ये जो एसिड और बेस है जिनको रिएक्ट कराया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. इसी तरह से इसको रिएक्ट करा के जो हमें मिला, दैट इज द प्रोडक्ट. ठीक है, तो जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड पे. ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हो गए रिएक्टेंट, और इसने क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो हमारा हो गया प्रोडक्ट. अब इसी को ही हम जब केमिकल इक्वेशन की बात करें, हमने बोला सिंबल्स में लिखते, तो मैग्नीशियम Mg हो गया ऑक्सीजन के लिए O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा MgO. अब ये MgO कैसे आता है? अगेन ये हमने 9th क्लास में सीखा था फॉर्मूलाज बनाना. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी आगे इतने सारे हम करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम फॉर्मूलाज बनाएंगे, तो वो रिवाइज भी हो जाएगा और आ भी जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन तो समझ आ गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, पर बैलेंस किस तरीके से, क्या बैलेंस करना देखते हैं. सो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइज. अब प्रोडक्ट साइज है, अब वो कह रहे हैं दोनों साइड पे, जैसे कि यहाँ पे चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा. H2 plus Cl2 equals to HCl, मतलब हाइड्रोजन को आपने क्लोरीन के साथ मिलाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हमें. ठीक है, ये हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन है. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे बात हुई है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? H2, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स है. ठीक है, देन बात हुई क्लोरीन की, सो क्लोरीन के कितने एटम्स है? अगेन दो एटम्स है. ये हो गई रिएक्टेंट साइड. अब जब मैं प्रोडक्ट साइड पे जाऊंगी तो HCl, हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1. Cl है यहाँ पे, क्लोरीन के कितने एटम्स है? 1. दैट मीन्स ये हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है. यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तब ये हो जाएगा बैलेंस. तो इसका मतलब कोई भी इक्वेशन है उसको अब बात करते हैं बैलेंस कैसे करेंगे. तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है जो कि है, देखो अगर हमें कोई भी इक्वेशन को करना है बैलेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास H है, ठीक है, या HCl पूरा ले लेते हैं. ठीक है, और अब मैं आपको कह रही हूँ कि भैया इसको यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो आप कह रहे हो मैम तो क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं, हो गया बराबर, हो गया ना. यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए, बट ये गलत है. गलत क्यों है? क्योंकि हम ऐसे कर नहीं सकते. हमारे हाथ में क्या है? अगर आपके पास HCl है तो आप यहाँ आगे 2 लगा सकते हो. सिमिलरली सिर्फ HCl की बात नहीं है, अगर Mg था यहाँ पे तो आप यहाँ पे 2 इधर नहीं लगा सकते, आप यहाँ 2 लगा सकते हो. अगर Mg है तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हो. समझ आई ये चीज? एक चीज पर चलिए, जब भी बैलेंस करना है हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, जो भी यहाँ प्रोडक्ट है 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ इस आगे वाले स्पेस में लगा सकते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं कर सकते. क्लियर, ये चीज समझ में आ गई पहली चीज. दूसरी चीज समझने वाली ये है कि अगर यहाँ पे आपके पास है HCl2,
ठीक है, सेम एग्जांपल ले रही हूं मैं, यहाँ पे HCl2 है और बैलेंस करने के लिए लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 3 लगाए, रैंडम है ये, सिलेंडर नहीं है, वैसे बता रही हूँ। अगर यहाँ पे आपने 3 लगाया तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझो। हाइड्रोजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के एटम हो गए आगे 3 लग गया। पहली बात तो ये 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के हो गए 3। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो उसके कितने एटम्स हो गए, 3 ये रहे और 2 ऑलरेडी उसके पास थे, तो ये ऐसे हो गए 3 2 6, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मत सोचना कि अच्छा आगे 3 आ गया, यहाँ पे 2 ऑर्डर थे, 3 + 2 5 कर दे, ये गलती बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है, ये गलती आपने नहीं करनी। सो अगर यहाँ पे 3 है और इधर ऑलरेडी 2 था तो ये हो जाएगा 3 × 2, मतलब इस केस में ये हो जाएंगे 6। ये चीज समझ में आ गई, पहली चीज हमने क्या समझी कि हम सिर्फ आगे लगा सकते हैं, और अगर आगे है तो काउंट कैसे करेंगे, अगर उसके साथ ऑलरेडी 2 3 4 कुछ भी है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब हम चलते हैं इस पार्ट को, तो हम अपना कर लेते हैं रब। सो अब हमारे पास बचा वापस से H2 + Cl2 = HCl। अब अगर मैं इसको आपको कहूं कि इसको बैलेंस करना है हमें, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सिंपल, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, क्लोरीन के भी यहाँ पे 2 हैं, अगर मैं इस HCl के आगे 2 लगा दूं तो अब जरा काउंट कर लो, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, इधर Cl कितना है 2, इधर Cl कितना है 2, हो गया बैलेंस दोनों साइड पे, ठीक है ना। अब ये तो बिल्कुल बेसिक था बैलेंस करना, बैलेंस में हमें और आगे सारी बहुत सारी चीजें सीखनी है, एक करके करते हैं, अभी मैंने 2-3 एग्जांपल लिए हैं, अदरवाइज जब हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे इतने सारे क्वेश्चंस है ना आपके पास, जहाँ पे आपको फॉर्मुलेस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बैलेंसिंग भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो Fe+H2 आयरन प्लस वॉटर कर रहे हैं, Fe3O4+H2, ये हमें मिला रिजल्ट। अब हमें करना है इसको बैलेंस, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो Fe कितने एटम्स हैं 1, इधर अगर मैं बात करूं Fe कितने एटम्स हैं 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1, इधर बात करें O कितना है 4, H कितना है 2, तो आपको दिख रहा है कंप्लीटली सारे ही अलग है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 3 है, इधर ये 2 है, अच्छा हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O4 है। हमेशा जब भी बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे, जो भी आपके पास सबसे पहला आ जाए उसको पकड़ के शुरू हो जाओ, एंड देन बाकी के अपने आप बाद में हम करते रहेंगे, ठीक है। तो जी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, तो इसको अगर 3 बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल 3 लिख दिया, यहाँ पे हो गया बैलेंस, Fe3 हो गया, इधर भी Fe3 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं H2O, इधर H2 है, इधर H2 है, कोई इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे O1 है, इधर O4 है, तो अगर यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही माना जाएगा, तो अगर यहाँ पे ये 1 है तो हमें क्या करना है, अब इसको 4 बनाना है, तो इसको 4 बनाने के लिए मैं तो सिर्फ आगे ही लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब ऑक्सीजन के इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 है, लेकिन क्या चेंज हुआ, अगर इसके 4 हो गए लेकिन हाइड्रोजन के तो चेंज हो गए ना, 4 2 8 हो गए, तो वहां पे हमें अब 8 करना पड़ेगा, 8 कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, अगर मैं 4 कर दूं तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इधर मैं हटा देती हूँ। अब अगर हम एक बार काउंट कर ले, तो इधर Fe के 3 है, इधर Fe3 है, इधर H 4 2 8 है, इधर H अगेन 4 2 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है, इधर भी 4 है, सो नाउ वी कैन से कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। आई नो आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट अब इतने सारे क्वेश्चन करने वाले ना कि जब आप मुड़ के ये वाला देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल फटाफट से और ले लेते हैं, Fe+O2 gives out Fe2O3, बैलेंस करना है, फुल फॉर्म्स वगैरह सब छोड़ दो फिलहाल, Fe यहाँ पे 1 है, इधर Fe2 है, इधर 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2 लिख दिया, क्लियर जी। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है, ये चीज समझना, ये O2 ये O3 एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है, अब इसको क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से ही पॉसिबल हो सकता है,
इसको, क्योंकि नीचे वाला तो चेंज नहीं हो सकता ना, ना मैं प्लस कर सकती हूँ ना उधर माइनस कर सकती हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे सेम बना सकते हैं? अगर ये केस आपके पास होता है, सिंपल मैं यहाँ लिखूंगी 3 और इधर लिखूंगी 2, उससे क्या होगा, 3 2 6, 2 3 6, दोनों 6 बना लिए हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 3, इधर हमने ऐड कर दिया 2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे हो गए 6, यहाँ पे भी हो गए 6, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एफ ई कितने हो गए, 2 × 2 = 4 हो गए, इधर तो एफ ई 2 ही है, तो क्या हो गया, ये तो हमने जो 2 लगाया है, इस 2 को अभी हटा देते हैं हम और इसकी जगह लिख देते हैं 4, हुआ कि नहीं। तो अब यहाँ पे जरा काउंट कर लो फिर से, पहले इसको तो रब कर देते हैं, आप जरा काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे एफ ई है 4, यहाँ पे अगेन 2 2 = 4, सो एफ ई है 4, इधर हमारे पास ओ कितने हैं, 3 2 = 6, इधर ओ कितने हैं, अगेन 2 3 = 6, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये इस तरीके से हम करते हैं बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो नाउ वी विल टेक दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें, धीरे 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 करके बढ़ रहे हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी डाउट है अगेन आगे जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब बहुत सिंपल है, ठीक है जी। तो अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड।